ये रहा भाई U3 का बोर्ड, मतलब अभी और नीचे जाना है। तो क्या बात है भाई, बर्गर किंग है इसी के नीचे यहाँ पे। हाँ तो देखो U3 भी ना दो है, सिमरिंग वाली और एक है ओटर किंग वाली, तो हमें सिमरिंग वाली में जाना है क्योंकि गूगल मैप पे लिखा हुआ है। लो भाई फाइनली आई गई। आंखें देखना कैसी लग रही है, आंखें मतलब लाइट कैसी लग रही है। तो ड्राइवर इसमें भी है भाई ब्रेक ब्रेक लगाने के लिए। ये प्रॉपर मेट्रो ही है समझ लो आप। तो पहले बाहर निकलने वालों को निकलने देते हैं, फिर हम अंदर जाएंगे। इसमें भाई जगह हाँ है भाई, मिल गई। अरे हैंडीकैप की है तो थोड़ा खड़े खड़े चल लेंगे, तीन स्टेशन ही तो है भाई। आ गया है अपना स्टेशन भी। चलो 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 उतरो, लेट्स गो। ये है भाई सिटी सेंटर के नाम से स्टेशन। एंड अंदर भाई कोई भी पास या टिकट चेक नहीं हुई, बट कभी भी चेक हो सकती है, तो ऐसा मत सोचना फ्री में घुस जाता हूँ और कोई पकड़ेगा नहीं। जिस दिन पकड़ लिया भाई मोटा चालान कटेगा, मैंने हंगरी में भी बताया था यही बात। सारे बोर्ड ना आपको इंग्लिश में लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप पढ़ पढ़ के भी ना आराम से अंदर भी जा सकते हो और यहाँ से बाहर भी निकल सकते हो। जैसे अब मैंने जिस प्लेटफॉर्म से एग्जिट किया है, मैंने बोर्ड पढ़ लिया कि यहीं पे सिटी सेंटर है, तो इसी सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे बस। सेम इंडिया में जैसे अपनी मेट्रो है भाई, वही सिस्टम है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा यहाँ पे। लो जी लो आ गए हैं ऊपर। और भाई साहब क्या भीड़ लग रही है यहाँ सिटी सेंटर में तो, ओए होए गजब भाई। यहाँ पे मैगजीन्स वगैरह मिल रही है यार, बहुत सुंदर जगह है। तो देखना कैसे बिल्डिंग्स है, ओए होए होए खूबसूरती। एंड यूरोप में तो कैफे कल्चर चलता ही है, यहाँ पे भी कैफेज ही कैफेज है काफी सारे। अबे एक ऐसा रिक्शा है भाई साहब, ओए छोटू सा तीन पहियों वाला, नाम क्या रखा है फैक्सी। घोड़ा गाड़ी में ना पूरे एरिया का टूर करवाते होंगे। और ये देखो पोटी, ताकि जमीन पे ना फैले रोडों पे, तो इन्होंने ये बैग से लगा रखे है और फिर यहाँ पे आके खाली कर देते हैं उन काले वाले डस्टबिन में। ऐसे सफाई मेंटेन होती है भाई सिटी में, जबकि घोड़े चल रहे हैं बताओ यहाँ पे, जो रखते रहते हैं रस्ते में, फिर भी सफाई है। ऑस्ट्रिया भाई यूरोप की 20वीं सबसे बड़ी कंट्री है एंड वर्ल्ड वाइड 115th रैंक पे आती है। ऑस्ट्रिया का टोटल लैंड एरिया है भाई 83,871 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी कंट्री में अराउंड 90 लाख लोग रहते हैं। एंड वियना जो इनकी कैपिटल है, यहाँ पे भाई लगभग 19 लाख लोग रहते हैं। ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मनी है, बट काफी लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल लेते हैं। एंड रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे 68.2% लोग क्रिश्चियंस हैं। और ये जो घोड़ा गाड़ी है ना भाई, 55 यूरो चार्ज करते हैं 20 मिनट की ट्रिप के लिए, यानी कि इंडिया के 5500 रुपीज। और मेरे ख्याल से इसमें चार लोग बैठ सकते हैं, तो चार लोगों का ग्रुप है फिर तो ठीक है भाई, 11 यूरो आएगा, 14-15 जितना भी है। मैं फिलहाल भाई यहाँ की गलियों में एप्पल स्टोर ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से 400 मीटर ही दिखा रहा है, क्योंकि भाई मेरे एयरपोर्ट्स खराब हो गए और ट्रिप में बिना एयरपोर्ट्स के ना हालत खराब हो जाती है, चाहे वो एडिटिंग हो चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, तो इसलिए मजबूरी में भाई लेने पड़ेंगे नए वाले, फिर से फटका लग गया ना पैसों का। मेरे वाले वारंटी में होते तो ठीक करवा लेता, बट भाई 1.5-2 साल हो चुके हैं लगभग, अब नए लेने पड़ेंगे। जब तक एप्पल स्टोर पहुंच रहे, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ ऑस्ट्रिया के बारे में। सबसे पहले तो ये जो नाम है ना ऑस्ट्रिया भाई, ये डिराइव हुआ है जर्मन वर्ड ओस्ट्रो से, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है ईस्ट। सेकंड फैक्ट भाई, ऑस्ट्रिया का जो फ्लैग है ना वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल फ्लैग है। थर्ड फैक्ट भाई, हमारे घर में जो मम्मी स्विंग मशीन यूज करती है ना, यानी कि सिलाई मशीन, वो भी भाई एक ऑस्ट्रिया के बंदे ने ही इन्वेंट की थी, एंड वो बंदा था भी वियना से ही। इसके अलावा वर्ल्ड का जो सबसे पुराना जू है ना, वो भी वियना में ही है, जो भाई 1752 में फाउंड हुआ था। अब देखो हम भाई गाड़ी के बारे में इतनी बात करते हैं, तो आपने पोर्शे कंपनी का नाम सुना होगा ना, उसके जो फाउंडर थे ना भाई, वो भी ऑस्ट्रिया से ही थे। बट स्टिल अभी तक मुझे यहाँ पर एक भी पोर्शे देखने को नहीं मिली है। अच्छा वैसे तो ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी सिटी वियना ही है, बट भाई इस कंट्री का 62% एरिया ना एल्प से कवर्ड है। ये देखो भाई नोबिता था ना डोरेमोन वाला, उसके भाई का घर इसी गली में है, नोबिता। लो जी लो बातचीत करते करते आ गया है एप्पल स्टोर। काफी बड़ा है यार ये तो, प्रॉपर चौक में तो होंगे वैसे, बट महंगे होंगे यार ज्यादा, कोई नहीं पूछते। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव द लेटेस्ट एयरपोर्ट्स प्रो? यस वी हैव द न्यू। हाउ मच? 299. 299. Yes. I will give you on the shopping list. Mm-hmm. And as any of your colleague is free, will come okay. to you. Okay. Yeah. So please wait at them. You see the Apple Music logo. Uh-huh. Please wait there, and the colleague will come to you. Okay. So thank you. भाई साहब सारे iPhone हैं यहाँ पर, देख लो MacBook, iPad वगैरह 299 euros के हैं, approximately 30,000 rupees के। यार अपने दुबई में पता होता खराब होने वाले, तो वहीं से खरीद लेता, कितने सस्ते थे। बट ठीक है भाई, ये लगा हुआ पूरा एयरपोर्ट का सेक्शन, ये तो पुराने वाले है, मुझे लेने हैं एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन। ये वाले देखो 299 euros, कोई डिस्काउंट नहीं है भाई। अब ले रहा हूँ तो लेटेस्ट ही लूँ ना, फिर पुराने लेने का क्या फायदा। एंड ये देखो भाई सब इनके इतने महंगे वाले हेडसेट, एयरपोर्ट मैक्स 629, 62,000 rupees के। या भैया क्या करेगा एप्पल, बाकी इनमें से अपना कोई एक मिलने वाला है। कार्ड में पैसे तो है नहीं भाई, पैसे ढाल लेता हूँ, एप्पल स्टोर आ गया और पैसे नहीं है। बताओ इंडिया में अमेजोन पे भाई 22,000 के मिल रहे हैं, ऑफलाइन तो और सस्ते मिल जाते, यहाँ पे 30,000। यूरोप में ना बहुत महंगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि यूके जाके सस्ता मिल जाता, बट भाई फिर पूरी ट्रिप ही खत्म हो जाती, तब तक तो क्या करने ही क्या था मेरे को, उससे अच्छा इंडिया जाके ही ले लेता फिर। पर चाहिए यार, जेन्युइनली चाहिए ट्रिप में, इसलिए लेने पड़ेंगे। डन। या 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 व्हाई ईमेल? यस व्हाई एप्पल प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन यूरोप? बिकॉज़ ऑफ द टैक्स। ओके, इन इंडिया दिस इज लाइक फॉर 200 यूरोस। रियली? या दैट्स अ लॉट चीपर। या या अमेरिका इज चीप एज़ वेल। यस यस। बट टर्की इज मच मोर एक्सपेंसिव।
Turkey and Iran also. You are from Turkey? No. No? Okay. Okay, thank you so much. That's it. Thank you. Yeah, bye. आपको बेचने से पहले ना भाई पूछते हैं कि ट्राई करना चाहते हो, मतलब यूज करके कि कैसा है. तो मैंने कहा ट्राई क्या करने भाई, खरीद नहीं है, डायरेक्ट दे ही दो. तो पेमेंट वेमेंट हो गई है कार्ड से, लिटरली 5 मिनट लगे और फ्री में. तो लो भाई अपने नए एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन वाले आ गए. यहीं पे देखो भाई सुरवोस्की का भी शोरूम है. अपनी BMW X7 जो थी उसका गियर नोब इसी ब्रांड ने बनाया था. बताओ भाई सब सिटी सेंटर में ऑडी का शोरूम खोल रखा है, शोरूम है या डिस्प्ले है खाली, गाड़ियां तो खड़ी है क्योंकि अंदर ऑब्वियसली डिस्प्ले क्यों ही लगाएंगे, शोरूम ही होगा भाई. एंड इसी के जस्ट सामने भाई है कि ये पानी की वेंडिंग मशीन मिल गई है, फ्री होगा शायद से. हाँ फ्री है, वैसे तो बहुत महंगा पानी है भाई यूरोप में, बट कोई नहीं बोतल भर लेते हैं. अब से भाई बोतल लेकर ही चला करूंगा साथ में, ऐसे ही डिस्पेंसर से भर लिया, वरना 100-100 रुपए की एक बोतल आती है और दिन में मैं 3-4 घटक जाता हूँ तो वो 300 रुपए बच सकते हैं. लो भाई आ गया अपना नंबर. इन गलियों में ना भाई लाइन से लगातार सारे के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है, जो आपको लेने हो कपड़े जूते सब कुछ मिल जाएंगे भाई यहीं पे. पर जैसे कि उस एप्पल स्टोर वाली लड़की ने बताया था, सब कुछ महंगा मिलेगा क्योंकि टैक्सेस बहुत है यूरोप में. तो डेफिनेटली आपको शॉपिंग के लिए तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा भाई यूरोप आकर. जो चीजें मिलती है यहाँ पे सस्ती उसकी पहले ही आप रिसर्च कर लेना गूगल पे, फिर वो खरीद के ले जा सकते हो, बट फालतू का सामान मत खरीदना. मैंने जैसे सूटकेस लिया था इंडिया में जो मिल जाता है भाई 5-6 हज़ार में या 7 हज़ार में मैक्सिमम, यहाँ पे वो 15 हज़ार का मिला था. एंड दूसरा एग्जांपल आपको मैंने यहीं पे एयरपोर्ट लेके दिखाया भाई, सब 30 हज़ार रुपए में. ऑरेंज जूस लोगे 200-250 रुपए की छोटी बोतल, जो इंडिया में 15-20 रुपए की मिल जाती है. खाने पीने का भी सब कुछ महंगा है भाई, सैंडविचेस बर्गर 600-700 रुपए में, वो तो चलो फिर भी छोड़ो भाई, बड़ी चीज है पानी की बोतल ही देख लो, छोटी छोटी बोतलें कई कई स्टोर पे 100 रुपए की मिलती है 1 यूरो में. तो नो डाउट भाई यूरोप महंगा तो बहुत है. और अभी तो ये ऑस्ट्रिया जैसे देश फिर भी सस्ते है भाई, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना और ज्यादा महंगाई बढ़ती रहेगी. जैसे स्विट्जरलैंड में या नेदरलैंड हो गया, वहां तो डीजल का ही लोग कह रहे भाई साहब 200 रुपए लीटर है. यूरोप में ना ये स्पार करके सुपरमार्केट काफी फेमस है और सुपरमार्केट को लिखा हुआ है गोरमेट. तो चलते हैं और भाई आपको प्राइजेस बताता हूँ कई अलग अलग चीजों के. ओ भाई साहब ये तो प्रीमियम सुपरमार्केट लग रही है बड़ी, देख रहे हो. घुसते ही पहले तो फ्रूट्स देख लो कितने जरा से है भाई, 230 ग्राम 4 यूरो 400 रुपए के. बट यहाँ पे तो फिर भी सस्ते है, बाहर यही रोड पे भाई 500 रुपए के मिल रहे थे. इधर वेजिटेरियन लोगों के लिए भी काफी चीजें हैं, ऐसे ये 350 ग्राम के काइंड ऑफ रेडी टू ईट मिल रहे हैं, छोले चावल है ये यहाँ के, मतलब इंडिया टेस्ट के नहीं, 3.49 यूरो यानी 350 रुपए. बाकी सब्जियों वाले सेक्शन में आ गया हूँ मैं. बंद गोभी है भाई 180 रुपए किलो, गाजर को बोलते हैं कैरोटीन यहाँ पे है 2.49 यूरो यानी 250 रुपए किलो. बाकी ये रंग बिरंगी वाली शिमला मिर्च है, इनके रेट भी देख लो. जो भी रेट दिखा रहा हूँ ना सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देना. आलू है ना, हाँ आलू है भाई ये 1.99 यानी 200 रुपए किलो. ये थोड़े और महंगे वाले है 220 रुपए किलो. टमाटर मिल रहे हैं यूरोप में भाई 500 रुपए किलो. इंडिया में भी वैसे महंगे हो रहे हैं, 180 रुपए पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे तो भाई 500 रुपए किलो है ये वाले टमाटर. टमाटर ही है ना भाई, इतना टमाटर ही है. ये वाले सस्ते है थोड़े से 200 रुपए किलो. ओ भाई साहब मूंगफली का पैकेट मिल रहा है ये देखो 200 रुपए किलो. केले मिल रहे हैं 230 रुपए किलो. तरबूज मिल गया भाई 180 रुपीज केजी. संतरे है 280 रुपीज केजी. और ये शायद से अमरूद है ना, नींबू है या अमरूद है पता नहीं क्या है. जिट्रोन 100 रुपए किलो. सेब मिल रहे हैं भाई 250 रुपए किलो. नहीं नहीं भाई किलो नहीं है, 6 पीस का सेट है, पर केजी है 330 रुपीज. कहीं पे भी प्याज नहीं दिखे भाई मेरे को. अंगूर ना यहाँ के बहुत बड़े बड़े से होते हैं, अजीब सा टेस्ट होता है. 350 रुपए किलो. नहीं 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 350 नहीं भाई, 6.98 है यानी 700 रुपए किलो है.